हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग एडी में आप सबका स्वागत है। अक्षय कुमार की साले रिंकी खन्ना आज यानी 27 जुलाई को 45 साल की हो गई है। उनका जन्म 1977 को मुंबई में बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के घर हुआ था। रिंकी यूं तो फिल्मों खानदान से तल्लुक रखती हैं, लेकिन बतौर एक्ट्रेस वे इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने में असफल नहीं रही। उन्होंने अपने 6 साल के करियर में महज 6 फिल्मों में काम किया, जिसमें से एक भी हिट साबित नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग से किनारा कर लिया और शादी कर घर बसा लिया। फिलहाल वे अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रही है। 1999 में आई फिल्म प्यार में कभी कभी से रिंकी खन्ना ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था। वे आखिरी बार 2004 में आई फिल्म चमेली में नजर आई थी। उन्होंने मुझे कहना है यह है जलवा, प्राण जाए पर शान ना जाए जैसी फिल्मों में काम किया है। वैसे आपको बता दे कि रिंकी खन्ना को महज एक फिल्म के किसी भी फिल्म में लीड ऑफर नहीं हुआ। गोविंदा सोनाली बेंद्रे की फिल्म जिस देश में गंगा रहता है में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में नजर आई थी। एक्टिंग में सफलता नहीं मिलने पर रिंकी खन्ना को समझ आ गया था कि वे इस फिल्म में सफल नहीं हो पाएंगी। फिर उन्होंने 2003 में समीर सरन से शादी कर घर बसा लिया। रिंकी शादी कर लंदन चली गई। रिंकी खन्ना की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वे लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं। वे सोशल मीडिया तक पर एक्टिव नहीं रहती हैं। वे सिर्फ अपनी फैमिली लाइफ में खुश हैं। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की छोटी बेटी रिंकी खन्ना का रियल नाम रिंकल है। बता दे कि राजेश डिंपल ने अपनी बेटियों के नाम ट्विंकल और रिंकल रखा था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद रिंकल ने अपना नाम बदल कर रिंकी रख लिया। रिंकी खन्ना 2 बच्चों की माँ है। उनकी बेटी का नाम नौमिका जो 18 साल की हो गई है और बेटा 9 साल का है। रिंकी इंडिया कम ही आती है, उन्हें लंबे समय से किसी ने देखा नहीं है। रिंकी खन्ना अपने जीजा अक्षय के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती है। वही उनके बच्चे भी अपनी मौसी ट्विंकल और मौसा अक्षय के साथ काफी फ्रेंडली है। ऐसे रिसेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर यह जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।